कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट में एक बार फिर म्यूटेशन हुआ है और इसका एक नया सब वेरिएंट सामने आया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने भारत और कुछ अन्य देशों में ओमिक्रॉन के इस नए सब वेरिएंट BA.2.75 के मिलने की पुष्टि करते हुए अलर्ट रहने को कहा है। WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडनम गेब्रेसियस ने कहा कि भारत और संगठन के अन्य सदस्य देशों में कोरोना वायरस के इस नए रूप का पता चला है। बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए WHO के महानिदेशक टेड्रोस ने कहा कि पिछले दो हफ्ते में दुनिया भर में कोरोना के नए मामलों में करीब 30% की बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि WHO के 6 उप क्षेत्रों में से 4 में पिछले हफ्ते वृद्धि देखने को मिली थी। यूरोप और अमेरिका में ओमिक्रॉन के BA.4 और BA.5 के कारण कोरोना लहर चल रही है। इसी बीच भारत जैसे देशों में ओमिक्रॉन के नए सब वेरिएंट BA.2.75 का भी पता चला है और इस पर नजर रखी जा रही है। आपको बता दें BA.2.75 का पता चलने पर WHO की मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट कर कहा कि सब वेरिएंट मिला है, इसे BA.2.75 कहा जा रहा है। ये पहली बार भारत में सामने आया और फिर 10 अन्य देशों में भी इसके मामले सामने आए हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अभी इस वेरिएंट के लिमिटेड सीक्वेंस उपलब्ध हैं, लेकिन अगर इसके स्पाइक प्रोटीन के रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन में कुछ म्यूटेशन होता है तो ये वायरस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि ये ह्यूमन रिसेप्टर से कनेक्ट करता है यानी इंसान को प्रभावित करता है। इसके साथ ही WHO की वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि अभी हमें इस नए सब वेरिएंट को लेकर थोड़ा इंतजार करना होगा। इसके बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी कि ये इम्यूनिटी सिस्टम पर असर डालता है या नहीं, हम इस पर रिसर्च कर रहे हैं। आपको बता दें इससे पहले इजरायली वैज्ञानिक ने दावा किया था कि ओमिक्रॉन का नया सब वेरिएंट BA.2.75 भारत में दस्तक दे चुका है, लेकिन अब WHO ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। गौरतलब है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट पिछले साल नवंबर में सबसे पहले साउथ अफ्रीका में सामने आया था। ओमिक्रॉन अब तक का सबसे संक्रामक वेरिएंट है, हालांकि बाकी वेरिएंट्स की तुलना में इसे थोड़ा गंभीर माना जाता है। ज्यादा संक्रामक होने की वजह से इसमें बार बार म्यूटेशन भी होता है, जिससे इसके अलग अलग सब वेरिएंट्स सामने आ रहे हैं। भारत में बढ़ रहे कोरोना के मामलों के लिए ओमिक्रॉन और इसके सब वेरिएंट्स को ही जिम्मेदार माना जा रहा है। सरकार का कहना था कि ओमिक्रॉन के 4 सब वेरिएंट्स BA.2, BA.2.38, BA.4 और BA.5 संक्रमण बढ़ा रहे हैं, लेकिन अब एक और नया सब वेरिएंट BA.2.75 के सामने आने से टेंशन बढ़ गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।